सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिट करने वाले हैं, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो दोस्तों, इस टाइप की फ़ोटो एडिट करने के लिए सबसे पहले तो आप सबको वीडियो में एंड तक बनना होगा, क्योंकि जो भी बताया हूँ स्टेप बाई स्टेप बताया हूँ। तो मेरे भाई, आप लोग बिफोर एंड आफ्टर फ़ोटो देख लीजिए। मेरे भाई 2024 का ना बहुत ही आसान ट्रिक मैं ना ये फ़ोटो एडिट करना सिखाने वाला हूँ आप सभी को, वो भी मेरे भाई विदाउट प्रीसेट का। मेरे भाई वो भी कैसे होता है, वो भी इतना भोकाल तरीके से, तो भी चमकता धड़कता होगा। तो चलिए मेरे भाई, बिना किसी बकवास के इस वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। एंड मेरे भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। तो सबसे पहले मेरे भाई, आप सभी को क्या करना है, यहाँ से अपना ओरिजिनल फ़ोटो को ले लेना है। एंड ओरिजिनल फ़ोटो को लेने के बाद मेरे भाई, इसको डायरेक्ट स्नैपसीड एप्लीकेशन में शेयर कर देना है। स्नैपसीड एप्लीकेशन में आने के बाद मेरे भाई, यहाँ टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। एंड मेरे भाई, यहाँ ट्विन इमेज के ऊपर क्लिक करना है, थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ाना है एंड यहाँ से एम्बेनियस बढ़ा देना है। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई, यहाँ से इसको डन कर देना है। उसके बाद मैंने फिर से टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। एंड टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई, आप सभी को यहाँ HDR स्पेस का ऑप्शन होगा, तो मेरे भाई HDR स्पेस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इसका फिल्टर को थोड़ा कम करना है एंड ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा देना है। उसके बाद मेरे भाई, यहाँ से इसको डन कर देना है। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई, आप सभी को क्या करना है, यहाँ से बिफोर एंड आफ्टर देख लेना है, पहले और अब में कितना ज़्यादा फर्क आ चुका है। उसके बाद मेरे भाई, इस फ़ोटो को डायरेक्ट आप यहाँ से शेयर कर दीजिएगा। कहाँ पे? तो मेरे भाई, डायरेक्ट इस फ़ोटो को ना यहाँ से आप शेयर कर दीजिएगा डायरेक्ट लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, इस फ़ोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर लेते हैं। ऊपर के साइड नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरे भाई, नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके आप सभी को यहाँ ऑल फोटोज़ के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद मेरे भाई, आप सभी को क्या करना है, यहाँ इस वाले फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। एंड इस वाले फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद मेरे भाई, आप सभी को यहाँ देखिए लाइट के ऊपर क्लिक करना है। एंड लाइट के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई, इसका एक्सपोजर को बढ़ा देना है, कंट्रास्ट को कम करना है, हाईलाइट को कम करना है एंड शेडोज़ को बढ़ा देना है। एंड मेरे भाई, वाइट को कम करना है एंड ब्लैक्स को कम करना है। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई, फिर से यहाँ कलर्स के ऊपर क्लिक करना है। कलर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मिक्स के ऊपर क्लिक करना है। एंड उसके बाद मेरे भाई, यहाँ से आप सभी को क्या करना है, सेकंड वाले कलर को सिलेक्ट करना है, इसका सेचुरेशन कम करना है, लुमिनस को बढ़ा देना है। देख लीजिए, उसके बाद मेरे भाई, इसका फर्स्ट वाले कलर को सिलेक्ट करके इसका सेचुरेशन बढ़ाना है, लुमिनस को कम कर देना है। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई, यहाँ ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना है, इसका ह्यू कम करना है, यहाँ से देख लीजिए सेचुरेशन को पूरा फुल बढ़ा देना है, ह्यू पूरा कम कर देना है। येलो कलर को सिलेक्ट करके इसका ह्यू थोड़ा सा कम करना है, सेचुरेशन को बढ़ा देना है। उसके बाद मेरे भाई, यहाँ से आपको ब्लू कलर को सिलेक्ट करना है, ब्लू कलर का सेचुरेशन बढ़ा देना है, लुमिनस को कम कर देना है। उसके बाद यहाँ से डन करना है। उसके बाद मेरे भाई, आप सभी को क्या करना है, यहाँ इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ टेक्सचर और क्लियरिटी को इतना इतना बढ़ा देना है, टेक्सचर क्लियरिटी को थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना है आप सभी को। उसके बाद विग्नेट को थोड़ा कम करना है। इतना काम होने के बाद डिटेल के ऊपर क्लिक करना है, शार्पनेस को बढ़ाना है, कलर रिडक्शन को बढ़ाना है, डिटेल को बढ़ाना है एंड स्मूथनेस को बढ़ाना है। उसके बाद मेरे भाई, बिफोर एंड आफ्टर आप सभी को देख लेना है, पहले और अब में कितना ज़्यादा फर्क आ चुका है। उसके बाद मेरे भाई, इस फ़ोटो को डायरेक्ट यहाँ से शेयर करना है। एंड मेरे भाई, इस फ़ोटो को यहाँ से शेयर करने के बाद आपको डायरेक्ट स्नैपसीड एप्लीकेशन में आ जाना है। उसके बाद मेरे भाई, आपको सबसे पहले यहाँ पर टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई, हीलिंग वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ से एक एक दाग धब्बे को अच्छे तरीके से मिटा लेना है। देख लीजिए, यहाँ से अच्छे तरीके से
एकदम आराम आराम से मिटा लेना है। उसके बाद यहाँ से डन कर देना है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद डिटेल के ऊपर क्लिक करके आप सबको यहाँ से इसका स्ट्रक्चर को कम करना है, शार्पनेस को बढ़ा देना है, इतना हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई फिर से टूल्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए मेरे भाई पोर्ट्रेट, इसके ऊपर क्लिक करके कुछ लोडिंग लेगा, उसके बाद थोड़ा सा कम करना है और सेकेंड वाले को बढ़ा देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे भाई हमारा स्किन स्मूथ हो गया पहले और अब में कितना ज़्यादा फर्क आ चुका है। उसके बाद मेरे भाई टूल्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ ब्रश के ऊपर क्लिक करके सबसे लास्ट वाले ब्रश को मेरे भाई सेलेक्ट कर लेना है और अपने लिप के ऊपर कलर को अप्लाई कर देना है। उसके बाद मेरे भाई डन करना है। उसके बाद मेरे भाई फिर से टूल्स के ऊपर क्लिक करना है और फिर से यहाँ से पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसका क्या करना है, फर्स्ट वाले को कम करना है और दूसरे वाले को बढ़ा देना है। इससे हमारा मेरे भाई फेस स्मूथ हो जाएगा। ऐसे ही मेरे भाई 4-5 बार आप कर लीजिएगा, उसके बाद आपका फेस स्मूथ ना एक टेक्चर के साथ स्मूथ हो जाएगा। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं न्यू एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।